सोचिए किसी मुस्लिम शख्स के माथे पर अगर किसी ने जय भोलेनाथ लिख दिया हो तो क्या होगा। जाहिर सी बात है कट्टरपंथी बौखला जाएंगे और गदर काट देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, तो बता दूं कि एक खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि दानिश उर्फ बाबू नाम के एक लड़के के सर पर जय भोलेनाथ गोद दिया गया। ये काम किसी और ने नहीं बल्कि शादाब नाम के एक शख्स ने किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला बरेली थाना क्षेत्र के प्रेमनगर का है। यहाँ के मोहल्ला शाहबाद में दानिश का परिवार किराए के मकान पर रहता है। मकान मोहम्मद शादाब का है जो बिजली विभाग में अस्थायी संविदा कर्मचारी है। दानिश दिमागी तौर पर कमजोर है। उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि शादाब ने किसी नुकीली चीज से दानिश के माथे पर जय भोलेनाथ लिख दिया। दानिश को देखकर उसके घर वालों ने हिंदू समुदाय का नारा बताते हुए हंगामा मचा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। दानिश के परिवार वालों का आरोप है कि आरोपी शादाब ने दानिश की गरीबी का मजाक उड़ाया। वही घटना की जानकारी जब आसपास के लोगों को हुई तो वहां पर शादाब के घर लोग पहुंच गए। इन सभी ने घर के अलावा बगल के चौराहे पर भी बवाल काटा और शादाब पर कार्रवाई की मांग करने लगे। इन महिलाओं में दानिश के रिश्तेदार भी थे। दानिश की मां आरोपी के घर में बर्तन मांजने और झाड़ू पोछे का काम करती है। आरोप है कि दानिश के घर वालों ने जब शिकायत दी तब शादाब की मां शबनम ने इसे मजाक में की गई हरकत बताया। बाद में आरोपी के परिजनों ने हंगामा कर रहे लोगों से कहा जाओ जो कर पाओ कर लो। शिकायत में शादाब पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी आरोप है। फिलहाल पुलिस ने शादाब को हिरासत में ले लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। दानिश के साथ जो हुआ उसे लेकर अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम।